नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अरहर की दाल और चावल की खिचड़ी। तो मैंने 3 लोगों के लिए ये सब सामग्री ली है। 3 लोगों की खिचड़ी मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने ले लिया है दाल और चावल, मिक्स कर लिया है एक में ही। आधी कटोरी दाल है और छोटी कटोरी आधी दाल है और आधी ही कटोरी चावल है। ये देखिए, मैंने एक टमाटर लिया है, एक छोटी आलू ली है, एक छोटा प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च। अब हम लोग मसाले की तरफ चलते हैं। तो ये लिए मैंने एक चम्मच मसाले वाले चम्मच से, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्ची, एक चम्मच धनिया, 4 लौंग देख सकते हैं आप, हींग थोड़ी सी, जीरा आधा चम्मच छोटा और आधा छोटा चम्मच मैंने जो खुद मसाला बनाया है घर में ही, होममेड ये मसाला है, बहुत ही टेस्टी मसाला है। आप कमेंट बॉक्स में अगर मुझे कमेंट करके कहेंगे तो मैं इस मसाले की विधि भी आपको दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना, और बहुत ही चटपटी सब ये खिचड़ी बनेगी। आप खाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसमें तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने सब्जियां डाल के तल लिया था और उसके बाद सारे मसाले मैंने डाल लिए हैं एक एक करके। मसाला मेरा भून गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी खिचड़ी। खिचड़ी को आप जितना भूनेंगे उतना ही स्वादिष्ट लगेगी। ये इसमें सोधा बना जाता है थोड़ा ज़्यादा भूनने से। अगर आप तुरंत पानी डाल देंगे इसमें तो उतना अच्छा होगा। इसमें इसको हम भूनेंगे। पहले 1 गिलास पानी डालूंगी मैं। उसके बाद देखिए इतना थोड़ा सा कम पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ खड़ी खिचड़ी खाई जाती है, ज़्यादा पतली खिचड़ी नहीं खाई जाती मेरे यहाँ। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं हमेशा खड़ी ही खिचड़ी बनाती हूँ। देख लीजिए आप कितनी बढ़िया रंगत आई है। अब इसमें हम डाल सार नमक, अब हम लगा देंगे ढक्कन और 1 सीटी केवल मैं लगाती हूँ उसमें तेज आंच पे, ताकि खिचड़ी खिली खिली बने। इसमें ढक्कन लगा देंगे बस। अब 1 सीटी आने पर इसे हम बंद कर देंगे गैस को और आपको दिखाएंगे कि खिचड़ी कैसी बनी है। ये देखिए हमारी खिचड़ी बनके तैयार है। तो चलिए हम लोग सब साथ मिलकर इसका आनंद उठाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनी है।